वी आर विद मिस्टर कपिल मिश्रा अ मेंबर ऑफ द बीजेपी इन दिल्ली एक साल हुआ है दिल्ली के दंगे को ईयर और एक साल पहले यह शहर जल रहा था हमने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी को खोया है कांस्टेबल रतन लाल जी को खोया है दिलबर नेगी विनोद कश्यप दिनेश खटेक ऐसे न जाने कितने लोगों को खोया है इसमें इसी सवाल पे मैं आपको बस ये बस पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने एक तरफ के आ, लोग जो मरे थे उनका उ, उनका आपने ब्यौरा दिया अभी मगर दूसरी तरफ के भी लोग जो मुसलमान समाज के लोग हैं उन उनके तो काफ़ी ज्यादा मरे जो तिरपन लोग जो मरे हैं उसमें से 40 के लगभग तो मुस्लिम ही हैं मैं ये कह रहा हूँ ट्रम्प के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए जस्ट आफ्टर दिस स्पीच वायलेंस ब्रेक्स आउट इन नॉर्थ ईस्ट डेली And uh, many people obviously call your uh, speech provocative, and you know it. People called me terrorist, Danga many, many Hattara, Sir One year Yo later, one year later, sir. Do you regret anything that you said in that speech, and do you take any responsibility for the violence that? I am proud of what I did on 23rd of Feb, and if it happens like that again, I will do that again. You said that we दिल्ली पुलिस के सामने बोला मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के हाथों से लॉ एंड ऑर्डर छीन कर आप खुद मोबिलाइज करेंगे ये कहना चाह रहे थे चारे तो अगर मतलब आप मान लीजिए ये, आप नहीं, ना ना ये आप नहीं कहते ये मान लीजिए आप नहीं कहते और यही भाषण ताहिर हुसैन अगर देते तो उसका क्या रिएक्शन होता और आप जो दे रहे हैं उसका क्या रिएक्शन उन्नीस दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को आई था, था।, था।, था, एक नारा था सर। I have it on my आ, नारा था। है सीपी में, नारा लगाया जा रहा है सर आपने एक नारा दिया था क्या नारा लगाया था मैंने जा, जामिया के गद्दारों को नहीं, गोली नहीं बोला था सर जामिया बोला था बिल्कुल उसमें जामिया जामिया जो है अलीगढ़ भी है सर इसमें और लोग बोल रहे होंगे मैं सर मैं दिखा सकती हूँ आपको सर ये है वीडियो जे एन यू के गद्दारों को गो को एमयू के गद्दारों को हाँ ये वीडियो है ठीक है सर करें। लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं ये एक छोटा छोटा एक ये बात करने योग्य भी नारा नहीं है ये एक राइम है जो लोगों ने देश में अलग अलग आंदोलनों में लगाया है रिंकू शर्मा की आपने बात की मतलब इतने बहुत सारे आपने ये इंसिडेंट्स गिनाए रिंकू शर्मा पे दिल्ली पुलिस ने खास करके ये बोला है कि ये जो आ, ये जो घटना है ये कम्यूनल नहीं है ये सांप्रदायिक नहीं है फिर भी मतलब बीजेपी और बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक कम्यूनल तरीके का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी जाँच करेगी एक दूसरी

तो उसके बारे में बोलना होगा आपको लगता है कि आ, हिंदू समाज का भी जो वहां पर हिंदुत्व लोग हैं, उनके उनका भी एक रोल है दंगों में। नहीं। तो वो 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 जो जो 40 मुसलमान मरे हैं या इतना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, वो किन लोगों ने किया? वो आपको देखना पड़ेगा कौन किसकी we are today with mr. kapil mishra, a member of the bjp in delhi. from being a liberal face and a fierce critique of mr. modi in the Aadmi party to becoming a hindutva uh, uh, ambassador, he has come a long way. Uh, mr. mishra is often in the news for his controversial remarks, and his biggest ticket to fame is a speech that he delivered in mojpur before the delhi riots. since the speech and the subsequent riots, mr. mishra has definitely emerged as one of the biggest leaders in delhi and the bjp. Today, we are with him and we are going to talk to him about the whole Delhi riots issues and some other issues as well. Welcome, Mr. Mishra. Namaskar, thank you. Namaskar. So, uh, I think uh, firstly, I would like to begin by talking about how you have, since the Delhi riots, emerged as a big leader, one of the biggest leaders, I would say, uh, in Delhi politics as well as the BJP. And in the past, we have seen that BJP and, in fact, in general, uh, leaders become more popular, more powerful.

विनोद कश्यप दिनेश खटेक ऐसे न जाने कितने लोगों को खोया है और आज इसीलिए मैं वायर से बात करने के लिए आया कि आपने भी तो इन दंगों के बारे में एक साल में बहुत चीज़ें बोली हैं बताई हैं उनसे पहले भी और उसके बाद में भी तो मुझे लगता है कि उसके बारे में हम बात करते हैं दिल्ली की राजनीति में जो चुनाव है वो बहुत सालों के बाद हैं तो तभी भी एक मंच आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे जो हिंसा हुई उसमें आपने बोला कि वैसा एनवायरनमेंट को कोई मेरे कारण फैसिलिटेट हुआ है इसीलिए तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा क्या पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंसा तो तेईस फरवरी को नहीं हुई हिंसा तो दिसंबर से हो रही थी चौदह दिसंबर को पंद्रह दिसंबर को सोलह दिसंबर को जामिया में जो बसें जली सीलमपुर में जो बस जली सीमापुरी में जो आई पी, आई पी ऑफिसर को मारा गया जो दरियागंज थाने में आग लगाई गई ये सब दिसंबर में हुआ है और उसके बाद ये पूरा तीन महीने का और प्रोटेस्ट है फिर वो हुआ जो तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस फरवरी को हुआ है तो मुझे लगता है कि केवल एक स्टेटमेंट को लेकर और उसके बाद क्या मेरी छत पर पत्थर थे क्या बम थे क्या क्या मेरे घर में लोगों को खींच के लाया गया क्या वो सब चीज़ों को इग्नोर करके पहले तो ऐसा मान लिया जाए कि ऐसा हुआ ही था फिर क्योंकि ऐसा हुआ था इसीलिए इसका इनाम कुछ मिलेगा क्या तो वो वो बड़ा वो ठीक सवाल नहीं है पहले तथ्यों के ऊपर बात करनी चाहिए एक्चुअल में हुआ क्या था आज हम एक साल के बाद उन किस दर्द के साथ बैठे हुए हैं कौन लोग हैं जो हमारे बीच से चले गए हैं मुझे लगता है उनको श्रद्धांजलि देने का नमन करने का हम लोगों को आज दिन है इसमें इसी सवाल पे मैं आपको बस ये बस पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने एक तरफ के लोग जो मरे थे उनका उन, उनका आपने ब्यौरा दिया अभी मगर दूसरी तरफ के भी लोग जो मुसलमान समाज के लोग हैं उन, उन, उनके तो काफी ज्यादा मरे जो तिरपन लोग जो मरे हैं उसमें से 40 के लगभग तो मुस्लिम ही हैं और आपने जो दिसंबर की जो बात की और वो सब वो सब छुटपुट घटनाएं थी और उसमें जब जब पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ वो एक अलग बात है लेकिन आप एक सामान्य व्यक्ति हैं आप एक नेता हैं आप भाजपा के एकदम टॉप लीग में दिल्ली बीजेपी में आ गए हैं और जब आप वहाँ पर जाते हैं जैसे अगर मैं अगर जाकर कहीं खड़े होकर बोलूँ तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा मगर आप जो बोलेंगे उसका बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन होगा उसका बहुत ज़्यादा ये होगा तो उस उस स्थिति में आप कितना रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपने उस स्टेटमेंट को देखिए पहली बात तो छोटी घटनाएं नहीं थी आप जिसको छुटमुट घटनाएं बोल रहे हैं वो आतंक घटनाएं मतलब बसें जलाई गई सीएनजी की आईपीएस ऑफिसर को मारा गया स्कूल की बस जलाई गई थाने को जलाया गया तो राजधानी में हुआ है ये सब तो वो छोटी छोटी घटनाएं तो उनमें से किसी को भी नहीं कहना चाहिए गंभीर घटनाएं थी चिंताजनक घटनाएं थी और उसके बाद जो हिंसा हुई है मुझे नहीं पता किस कौन ज्यादा मरा है कौन कम मरा है हमने तो अपने आस के लोगों को मरते हुए देखा है लेकिन आप बोले कि एक ही तर, एक ही तरफ के लोगों को आप मदद कर रहे हो क्या दूसरे तरफ के लोगों को मदद नहीं कर रहे हो क्या तो मदद करना गुना है क्या जिसकी कोई मदद नहीं करेगा नहीं एक छोड़ कर दूसरी तरफ तो तो अच्छा भाई मैं बताता हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड किसकी मदद करने के लिए बनाया गया है उसका मैंडेट क्या है वहाँ वक्फ बोर्ड काम कर रहा है वक्फ बोर्ड के कैंप लगे हुए हैं वक्फ बोर्ड ही राहत दे रहा है वक्फ बोर्ड ही मुआवजा दे रहा है तो वक्फ बोर्ड का एक मैंडेट है रिटर्न मैंडेट है वो एक खास समाज के लिए है लेकिन दिल्ली सरकार ने उसी को सामने उतारा हुआ है वायर किसकी कहानी सुना रहा है एक ही समाज की कहानी सुना रहा है वो देश में बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और पत्रकार हैं वो किसकी कहानी सुना किसका दर्द बता रहे हैं एक ही समाज का दर्द बता रहे हैं दुनिया भर की इंटरनेशनल एन हैं वो किसकी कहानी बता रही हैं एक ही समाज की तो हम हम जो बच गया जिसके पास कोई भी नहीं जा रहा जिसको कोई देखना ही नहीं चाह रहा जिसका दर्द कोई सुनना ही नहीं चाह रहा उसके साथ खड़े ही तो हुए आप क्या? कैसे कह सकते हैं आपने आपने वायर को ये किया आपने तो मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ इसमें तो मेरा, मेरा हूं, मानना आप यह आप है कि मुझे मुझे ये लगा कि जिसके साथ कोई तो नहीं खड़ा हो रहा उसके साथ खड़ा होना चाहिए और मैं हुआ हूँ हमने मिलकर मदद की अकेले मैंने नहीं की पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर मदद की हमने एक करोड़ नब्बे लाख रुपए की मदद इन दंगा पीड़ित परिवारों को दी जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को हमने मदद की जिनकी कोई दुकान चली है उनकी मदद की uh, totally, totally जिन्होंने वायलेंस किया है उनको सजा मिलनी चाहिए इसमें तो कोई बात ही नहीं है और मुझे लगता है की दिल्ली पुलिस उसकी प्रक्रिया पे काम भी कर रही है और वायलेंस करने वाले लोग जेल भी जा रहे हैं और दोनों ही पक्षों के लोग जा रहे हैं अगर आप देखें कितने लोग गिरफ्तार हुए किसकी जांच हुई उसमें तो केवल कोई आंख में पट्टी मान ले तो उसको बायस नजर आएगा अदरवाइज जांच हो रही है और तथ्यों के आधार पर हो रही है कोई नए तथ्य किसी के सामने आते हैं तो वो तथ्य सामने लाने चाहिए सर थोड़ा सा और पहले पिछले टाइम में जाते हैं टॉकिंग अबाउट वेन वर विद दी आप आप योर मेन पॉलिटिकल पॉइंट्स वर मोस्टली टू मोस्टली अराउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनफैक्ट आई रिमेंबर वॉचिंग दिस इंटरव्यू जिसमें आप किसी एक पत्रकार से बोल रहे थे कि दिल्ली में सबसे बड़ी जो बड़ा जो इशू है वो क्लीन वाटर का एक्सेस है लोगों के लिए दैट वॉज योर मेन पोलिटिकल पॉइंट एट दैट टाइम जब आप पहली बार इलेक्ट होके आए थे बट सर जब से आपने बीजेपी जॉइन किया वी हैव सीन दैट योर पोलिटिकल सॉर्ट ऑफ प्रायरिटीज़ हैिफ्टेड नाओ दो दो अलग अलग दो अलग अलग व्यक्ति व्यक्ति लग रहे हैं प्रॉब्लम क्या है ना कि जो मैं करता हूँ उसको आप देखते नहीं हो या उसको आप देखना नहीं चाहते मैं यमुना नदी के लिए काम कर रहा हूँ अभी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ से मैं पहले एम था उधर हम लोगों ने काकिंग और रोइंग वो यमुना रिवर पे हम लोग कर रहे हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं कोई कर रहा होगा हमारा क्लब है और इंटरनेशनल लेवल का हम वहाँ पे चला रहे हैं वहाँ से साफ़ नदी आपको कहीं नहीं मिलेगी जितनी मेरी पिछली कॉन्स्टिचुएंसी में थी पर उसको आप चर्चा नहीं आप करना चाहते प्रचार नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं तो प्रचार, उसी तो प्रचार उसी मेरी तो कोई एक बार मैं पूरा बोलूँ उसके बाद आप बताना तो इस प्रकार से हम जो परिवारों की मदद कर रहे हैं इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करना चाहते कोई पिन पॉइंट करके आप चर्चा करना चाहते हो मैंने आम आदमी पार्टी में भी दोनों चीज़ों पे बात की थी और आज भी मैं मानता हूँ दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा साफ़ पानी ना मिलना यही सबसे बड़ा मुद्दा है पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है दिल्ली के अंदर ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कहने के बावजूद कि हम बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं लेकिन आप एक बात बताओ कि कोई थ्रु त्यागी नाम का पिता अपनी बेटी को स्कूटर पे लेके जाए उसको कुछ लोग बेटी के साथ बदतमीजी करें वो वापस उनको टोकने आए और उसको मार दिया जाए तो मैं बयान दूंगा तो क्या इसको भड़काऊ बोला जाएगा अंकित सक्सेना की मृत्यु पे, पे या आई ऑफिसर अंकित शर्मा की मृत्यु पे या रिंकू शर्मा की निशंत सत्या पे या राहुल क्यों आदर्श नगर में केवल प्यारी तो करता था वो एक लड़की से उसको इसीलिए मार दिया गया या डॉक्टर नारंग उसने बोला कि मेरे घर के सामने आ, मत यहाँ पर उत्पाद करो उसको मार दिया रूप बेसोया वो ड्रग बेचने के लिए मना कर रहा था उसको मार दिया गया इन मुद्दों पर मैं बोलता हूँ और दिल्ली के ही मुद्दे हैं दिल्ली के लोग हैं ये भाई हैं हमारे बच्चे हैं ये लोग तो इन पे तो मैं बोलूंगा रिंकू शर्मा तो की लिए... आपने बात की मतलब इतने बहुत सारे आपने ये इंसिडेंट्स गिनाए रिंकू शर्मा पे दिल्ली पुलिस ने खास करके ये बोला है कि ये जो आ, ये जो घटना है ये कम्युनल नहीं है ये सांप्रदायिक नहीं है फिर भी मतलब बीजेपी और बीजेपी के साथ जुड़े हुए जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक कम्यूनल तरीके का कलर देने की कोशिश कर रहे हैं तो जब आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जाँच करेगी एक दूसरी जगह में वहीं पर जहाँ एक रिंकू शर्मा मरता है तो उसको पोलिटिसाइज और एक कम्युनलाइज करने की कोशिश की जाती है दिल्ली में सरकार चाहता है। की जमीन में भी सारे लोग है जो देख रहे है। मैं सहमत हूँ आम आदमी पार्टी के इस बात से रिंकू शर्मा जी के बारे में बताऊँ तो मैं सहमत हूँ इस बात से उनके कार्यकर्ताओं ने जमीन में देखा होगा क्या हो रहा है इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है तो उसके बारे में बोलना होगा वहाँ पे माता घटना स्थल पर मौजूद थी वो केवल विक्टिम की मदर नहीं है शी वॉज एन आई विटनेस टू द इंसिडेंट एज वेल शी वॉज प्रेजेंट देयर शी इज सेंग समथिंग उसके भाई वहाँ पे शी वॉज ही वॉज प्रेजेंट देयर ही इज सेंग समथिंग पुलिस द पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर हैज्यूड एन स्टेटमेंट विदाउट इवन इन्वेस्टिगेटिंग विदाउट इवन रीचिंग आउट विदाउट इवन टेकिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम द आई विटनेस फ्रॉम द मदर एंड एंड ब्रदर एंड एवरी वन They had not collected दे हैड नॉट कलेक्टेड द फोरेंसिक सैम्पल बाय दैट टाइम दे स्टेटमेंट सो आई रेज दट क्वेश्चन यू कान conclusion. At least do the investigation, uh, take down the statements, correct the forensic भी samples. बिल्कुल हम भी वही कह रहे हैं कि दूसरी चीज तो दिल्ली दिल्ली का आपने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस की एक तरफ बोल रहा हूँ दूसरी तरफ नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोलता हूँ अभी भी दिल्ली दंगों में भी अगर कोई आके एविडेंस ला देता है दिल्ली पुलिस की जाँच के, के बियॉन्ड कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आते हैं कोई एविडेंस आते हैं तो उसके ऊपर सवाल उठाइए ना आप किसने आपको रोका है लेकिन केवल बोलने के लिए अभी जो लोग दिल्ली दंगों पे दिल्ली पुलिस की जांच नहीं मानते वो रिंकू शर्मा पे पहले दिन ही जांच को मान के बैठ गए तो तो नहीं चाहिए ये बात ना? मैं आपकी मानता हूँ हाँ। ये बात आपकी मान रहा हूँ लेकिन मतलब बस यही कहना चाह रहा हूँ रिंकू शर्मा के तथ्य क्या है वो जो है, वो दिल्ली है।, अभी दिल्ली का हमारे पास है लेकिन उसको नकारते हुए हर जगह वहाँ पर भी जहाँ पर भी हो रहा है वहां पर इतना ज्यादा उसमें एक उग्र स्वरूप लेता हुआ नजर आ रहा है

वो घटना की जांच पूरी होनी चाहिए और अच्छा है अभी तो क्राइम ब्रांच को जांच दी गई है इसका मतलब कहीं पर तो जांच में कुछ कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी इसीलिए क्राइम ब्रांच के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है और हम जाँच पूरी होने का इंतजार करेंगे सर अब लेट्स कम बैक टू द स्पीच दैट यू गेव ऑन द ट्वेंटी ऑफ फेबर लास्ट ईयर सो स्पीच में पढ़ देती हूँ एक बार जस्ट फॉर आर ऑडियंस मैं ये कह रहा हूँ ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो जस्ट आफ्टर दिस स्पीच वायलेंस ब्रेक्स आउट इन नॉर्थ ईस्ट डेली

Uh, उनके साथ एक स्पीच थी वो एक स्पीच दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि नाथुराम गोडसे के कमरे में वो जा रहे भी थे और उनसे वो बहुत इंस्पायर्ड हैं और वो स्पीच में आप बेसिकली क्लैप भी कर रहे थे तो सर क्या आप उस चीज़ को इंडोर्स करते हैं नहीं मेरे को ध्यान में नहीं है आप किसी स्पीच के बारे में कह रहे हैं लेकिन हाँ। लेकिन मैं ये मैं ये मानता हूँ कि ये भी तो अगर वो कहीं रहा है व्यक्ति उसके बारे में अपना जीवन का अनुभव है क्या आपको लगता है कि गांधी जी की हत्या की जाँच नहीं हुई क्या आपको लगता है कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में कहीं कांग्रेस की सरकारें फ़ेल हो गई हैं अगर जांच हो गई अपराधी को सजा मिल गई तो आज किसी व्यक्ति का उसके बारे में जो अपना अनुभव है वो शेयर कर रहा है तो उसको इतना तो अधिकार भारत में मिलेगा ना वो कर रहे हैं उसको वो वही वो है मतलब मगर वही है जहाँ एक तरफ आ, 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 इस तरीके से स्टेटमेंट्स आते हैं कि कचड़ों का यति नरसिंह सरस्वती का ही जो वीडियो हम देख रहे थे वो वहाँ पर जंतर मंतर में खुलकर वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान कचरे का ढेर है और इसको हिंदू को हिंदुओं को लिखना चाहिए और जब अगर वो मुसलमान लिख लेते हैं उसको तो फिर हिंदू खत्म हो जाता है जा आप भी उनके साथ मंच में कई बार दिखे केजरीवाल के साथ इस तरीके से एक बार वो बोल रहे थे कि अगर अगर कोई हिंदू जाकर किसी मुस्लिम जिहादी को मारता है तो उस हिंदू के साथ हम खड़े रहेंगे

नहीं वो मैंने जो बोला वो मुझसे पूछना चाहिए मैं लेकिन आप आप अगर मुझसे मैंने जो बोला उस पर पूछेंगे तो मैं आसानी से जवाब दूंगा किसी और ने जो बोला उस पर पूछेंगे तो उनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि उनका कॉन्टेक्ट क्या है फ्रॉम वेयर ही इज कमिंग वॉट एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ वो जो इस तरह से बोलना जा रहे हैं

बहुत सारे नेता हैं जैसे यती हैं, जैसे कृष्णा त्यागी है बीजेपी बी में रागिनी तिवारी है ये लोग भी जाकर हर जगह में भड़काऊ भाषण दे रहे थे और ये कह रहे थे इनको मारना है मोबिलाइज कर रहे थे दे और दे इस तरीके से उसमें भी आप पूरी दुनिया के स्टेटमेंट मुझसे पूछ लो उससे कुछ नहीं हासिल होना मैं अगर पूछूंगा कि ताइर हुसैन को अरफा खान क्यों शरण दे रही थीफा खानुम रिलीज कर रही थी जबकि वो पुलिस से फरार था हत्या करने के बाद वो पूछूंगा इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ की तो अभी अरफा नहीं है इसीलिए मैं नहीं पूछ रहा की तुम तािर हुसैन का जब वो हत्या करके भागा तो उसको शरण देने में क्यों शामिल थे अभी अरफा नहीं है तो मैं ये नहीं पूछ रहा की तुमने उसका वीडियो मस्जिद में बैठा के बना के मीडिया में रिलीज

जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहते हो उसके बारे में सवाल होने चाहिए आपके पास नहीं है तो थोड़ा पढ़ ले के लेके आइए वो सवाल चलिए एक ये एक सवाल आपने ये बोला आपके स्टेट पर आप आपने ये बोला कि ट्रम्प के रहने तक हम कुछ नहीं करेंगे

जिसको अपराध करना होता है वो डीसीपी के बगल में खड़ा होकर खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करके खुद ही वीडियो नहीं डालता ये मेरा स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ ये वीडियो मैंने ट्विटर पे डाला है कि मैं दिल्ली पुलिस को ये बात कह रहा हूँ कि हमारी सड़कें खाली होनी चाहिए मेरे इलाके मेरे क्षेत्र में जहाँ पर मैं रहता हूँ उधर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उधर लोग दुकान पर नहीं जा पा रहे काम धंधे पर नहीं जा पा रहे बीमार लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे तो मैं वहाँ जाके रास्ता खुलवाने के लिए जाऊँगा वो भी जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ से एक किलोमीटर दूर पुलिस वाले को बगल में खड़ा करके उनको ये बोलूँगा कि मैं तीन दिन का समय आपको दे रहा हूँ उसके बाद हमारा भी तो हक है ना कोई और सड़क बंद करेगा तो हम नहीं कर सकते क्या कोई और आंदोलन करेगा तो हम नहीं कर सकते क्या तो वो मैंने उनका देम, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है और ऐसे ही अगर ताहिर हुसैन की सड़क बंद होती और ताहिर हुसैन के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होते और ताहिर हुसैन कहता कि तीन दिन में मेरी सड़क खोलो तब भी मैं उसका साथ देता लेकिन ताहिर हुसैन की छत पे तो एसिड मिला मेरी छत पे तो नहीं मिला बम मिला है मेरी छत पे तो नहीं मिला पत्थर मिला है मेरी छत पे तो नहीं मिला ताहिर हुसैन उधर भीड़ के साथ खड़ा हुआ पत्थर गोली चलवाता हुआ वीडियो पे मिला है मैं तो नहीं मिला तो आप आप तराजू के दो पल्ले तो बराबर रखिए वही कह रहा अगर मेरी छत पे बम मिला होता तो मैं भी जेल में होना चाहिए था सर एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ मैंने एक स्टोरी की थी अभी जुलाई में पिछले साल दंगों के बाद दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट में एक एक ग्रुप बनाया गया था दंगों के दौरान उसका नाम था कट्टर हिंदू एकता ग्रुप सर उस ग्रुप में कॉन्स्टेंटली जो आपने ये स्पीच दिया था कॉन्स्टेंटली वो वीडियो आ रहा था एवरी एवरी सेकेंड पर्सन वॉज पुटिंग दैट वीडियो अप देयर एंड देवर कि इसके बाद ध्यान से सुनो ये करना है हमको एंड देवर इंडोर्सिंग योर वीडियो वाइल किलिंग पीपल वाइल एडमिटिंग टू किलिंग पीपल तो सर डू यू एज अ पॉलिटिशियन एज अ लीडर डू यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सो इफ़ समन इज़ पुटिंग माई वीडियो क्लिप इन ए पर्टिकुलर ग्रुप हाउ हाउ एम आई आंसरेबल टू दैट क्या पुलिस की जांच में आ रहा है क्या पुलिस जांच कर रही है हाँ क्या पुलिस उनको पैसे लोगों को पकड़ रही है हाँ तो प्रॉब्लम क्या है पुलिस को पकड़ने दीजिए ना पुलिस पकड़ेगी आपको पुलिस की इंक्वायरी से ही पता लगा कि ऐसा कोई ग्रुप आया है पुलिस खुद ढूंढ के ला रही है पुलिस खुद पकड़ रही है ऐसे लोगों को तो उस, उस जाँच को होने देना चाहिए इसमें मेरी भूमिका क्या है क्या मैं अपनी सड़क खुलवाने नहीं जाऊँगा मैं तो बोल रहा हूँ दोबारा बंद करेंगे तो दोबारा जाऊँगा ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप हमारी सड़कें गलियाँ बंद कर देंगे आप हमारे डेमोक्रेसी में राइट दोनों का होता है आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा उन लोगों का भी राइट जो आराम से अपने काम धंधे में लगे हैं जो लोकतंत्र को हाईजेक करने के लिए नहीं निकले उनका राइट तो आपको दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में जिसमें जिस आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को आई है स्पीच नहीं दिया था स्पीच नहीं था एक नारा था सर आई हैव इट ऑन माय नारा है सीपी में नारा लगाया जा रहा है सर आपने एक नारा दिया था सर उसके कितने दिनों बाद सर एक महीने बाद आपका जामिया में शूटिंग हो जाती है उसके अगले ही दिन शाहीन बाग में दो दिन बाद जो है शाहीन बाग में शूटिंग हो जाती है तो सर कमिंग बैक टू माई इनिशियल क्वेश्चन क्या तो सर, नारा लगाया था मैंने जा, जामिया के गद्दारों को नहीं, बोले जामिया नहीं नहीं बोला था। सर बिल्कुल मैं दिखा सकती हूँ जामिया जो है अलीगढ़ भी है सर इसमें और मैं दिखा सकती हूँ आपको So, उसमें डेट स्टैम भी लगी तो आपको लगता है? है कि मेरे नारे के कारण कोई गया उधर आपसे पूछ रही हूँ कि आपको लगता है कि कोई नहीं, मुझे नहीं नहीं लगता है मेरे कारण वो गोली चली है और मुझे लगता है कि एक साधारण सा नारा है राइम है क्योंकि दो शब्दों की राइम हो रही है इसलिए लोग बोलते हैं और इस देश में ये नारा बरसों से लग रहा है ये नारा वीपी सिंह के और आरक्षण के आंदोलन में भी लगा है लेकिन मैं फिर भी शोर है, राजीव चोर है, ये मानता हूँ अजय जी की नारा बोलना एक अलग चीज है और बंदूक उठाई तो जेल में जाएगा और गया है जेल में सर ये है ये वीडियो है ठीक है सर करेक्ट तो सर मेरा हाँ. सवाल सिंपल सा यही है कि सर आपको क्या लगता है कि आज के करंट पॉलिटिकल सीनारियो जो हमारी कंट्री में है डी यू थिंक इट इज नेसेसरी टू कॉल मुस्लिम तो कोई मुस्लिम के खिलाफ तो कोई बोल ही नहीं रहा yeah. कोई ये भी नहीं बोल रहा कि सारे मुसलमान कुछ गलत कर रहे हैं प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि जब मुसलमानों को कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं तुम्हारी तो नागरिकता चली जाएगी तुम्हें तो डिटेंशन कैंप में उठा के जाने वाला है उधर आप वायर आप हो प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम की रूट का ऑप हो जो वायर में जब आप झूठ लिखते हो जब आप ये लिखते हो कि सी में नागरिकता जाने वाली है डिटेंशन कैंप के एग्जाम्पल आप देने की कोशिश करते हो हिटलर बताने की कोशिश करते हो देश में तो सब कुछ ही पर और उसके बाद आप ये नहीं समझते कि आपने तो एक आर्टिकल या पोस्ट लिखा है वो जो यूथ है इनोसेंट यूथ है उसके दिमाग में उसका क्या पहले ही तो वो नंबर में कम है तो तो, किस तो मैंने बोला की सीए ए में बताओ ना कि कहाँ पे नागरिकता जा रही है इसमें अब तो एक साल हो गया किसकी तो नागरिकता नहीं बनने से पहले क्यों क्यों जब सीए के, के जब रूल्स बनेंगे क्योंकि प्रोटेस्ट, क्यों कि प्रोटेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि उनको लग रहा था कि वो लग कह रहा हूँ घटनाएं घटी है उनको भी लग रहा था रिंकू शर्मा में जहाँ दिल्ली वही मैं रिंकू शर्मा बोल रही है मुस्लिम समुदाय में अगर ये बात फैल रहा है और मुझ न सिर्फ मुस्लिम समुदाय बहुत सारे हिंदू समुदाय में ये लग रहा है कि सिटीजनशिप के जो डेफिनेशन है वो बदला जा रहा है तो उसमें अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको

प्रोटेस्ट हो रहे थे प्रोटेस्ट वहाँ पर पुलिस के साथ साथ पुलिस पर भगा रही है उन, उ, उ, उनको साथ में बहुत सारे जो इस तरीके के जो हिंदुत्व हिंदू आर्मी के है या चाहे वो, वो लोग भी जाकर मुस्लिम उन, ये, उनको मुल्ले और इस तरीके के गाली देकर उनको भगा रहे हैं कई सारे वीडियो देखा तो वही मैं कह रहा हूँ उनके लिए तो लोग ऊपर होकर देखते हैं कि ये हमारे नेता है और, और मैं अपनी ऊपर के लिए कुछ बोलूंगा नहीं ऐसा तो नहीं होगा नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं नहीं शर्मा होगा। के परिवार को व्यक्तिगत हाँ। जानता हूँ इसके परिवार के लिए ना बोलूँ वो विनोद पाल जी उसको उसको गली में कोई मारेगा और मैं बोलूंगा की यार मेरे को तो नेता बनना है मैं बोलूंगा तो मुझे तो आतंकी दंगाई कम्युनल कट्टर बोला जाएगा और मैं चुप होकर बैठ जाऊँ नेतागिरी चलेगी नहीं उपयोग तो इसीलिए मैं कह इसी रहा हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपने जो एग्जाम्पल दिए उसके साथ आपको ये भी एग्जाम्पल देना चाहिए था कि इस देश में संसद से दस किलोमीटर दूर संसद को उड़ाने वाले संसद में हमला करने वाले आतंकी के लिए नारा लग गया अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है बा, क्या आ, कश्मीर की आजादी तक जंग हमारी जारी है भारत तेरे टुकड़े होंगे दिल्ली के मुद्देगी एम यू की धरती पर जामिया में लिखा खिलाफत 2.0 अभी तो अगर ये सारी चीजें लिखी गई हैं तो आपको ये समझना होगा की कोई लोग कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं आक्रोशित भी हैं परेशान भी हैं वो अगर लोग परेशान हैं आप की भाषा यूज करेंगे क्यों मैंने आप, सी, नहीं आप, आप, नहीं नहीं हमने तो बोला किसी की कब्र आप, आप सर और एक, एक एक अगर ये जैसे आपने शाहीन बाग चांद बाग ये सारे जो है इसको आपने अपने पब्लिक एड्रेस में लगातार पाकिस्तान आपको लग रहा है कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास अमित शाह जी ने खुद आकर बोला है कि पाकिस्तान उनको नहीं बोलना चाहिए तो आप जब इस तरीके से कह रहे हैं क्या ये बीजेपी की लाइन है नहीं मैं तभी तो आपको बोला ना अभी आपने बोला कि क्या आपको तो नेता बनना है तो आप नहीं बोलोगे क्या मैं दोबारा से बोल रहा हूँ छोटा छोटा मिनी पाकिस्तान बनाए मिनी पाकिस्तान मतलब क्या जो भारत की संसद से पास कानून को भी ना माने जो भारत के न्यायालय के बोलने के बावजूद भी ना माने जो किसी भी तरह से लोकतंत्र से चुने हुए सरकारों के बाद भी हाईजेक करने की कोशिश करे जो ज़बरदस्ती झूठ का प्रपोगंडा जो भारत तेरे टुकड़े होंगे तक की बात बोल दे उधर असम को अलग कर देंगे इधर कश्मीर को अलग कर देंगे तो तो वो मिनी पाकिस्तानी बोला जाएगा हो सकता है किसी को पसंद ना आए हो सकता है किसी को लगे कि ये राजनीति में रहने के लिए नहीं बोलना चाहिए कपिल मिश्रा तो बोलेगा मतलब जामिया को आपने दंगाई बोला जामिया के बच्चों को मगर सर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पिछले साल के डेटा के हिसाब से जामिया इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी रैंक आई है जामिया की इनफैक्ट आपने एम का भी नाम लिया इसमें जो मैंने आपको वीडियो दिखाई जो प्रधानमंत्री हैं हमारे वो खुद उनके जो हंड्रेड ईयर्स का सेलिब्रेशन हुआ उसमें खुद चीफ चीफ गेस्ट बन के गए तो सर उस पर क्या कहना है हाँ तो ये जामिया और ए के लोगों को आँख खोल के देखना चाहिए कि जब गाली उनके कुछ लोग दे रहे होते हैं तब भी तो सरकार कितनी निष्पक्ष है और उसके बावजूद भी उनको अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी भी पहचान कर रहे हैं उनके प्रतिष्ठान की कोई पॉजिटिव हिस्ट्री है तो उसके बारे में स्वयं प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेरे को लगता है वहाँ पर जो कुछ चंद लोग बैठ के देश को गाली देते हैं उनकी आँखें खुलनी चाहिए एक एक चीज़ सर ये जानना है कि ये सारी जो आप कह रहे हैं आप आप हमारे इंटरव्यू में ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल हमारा जो ये जो था वो उन कुछ लोगों के लिए था ताहिर हुसैन जो दंगाई हाँ, थे हाँ, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बीजेपी का कितना आउटरीच प्रोग्राम रहा आपका अपना जो इनिशिएटिव आप तो बीजेपी की बात अगर, अगर आप छोड़ दें आपका अपना संगठन आपके वॉलन्टियर्स है इतने कितनी जगह में जाकर आप उन मृत लोगों के लिए या जिनकी प्रॉपर्टी इतनी डैमेज हुई है आप गए हैं आप घर में गया हूँ मैं हर एक परिवार की मदद की है मैं तो, मुसलमान भी है मैंने तो उनकी मदद की लोगों की मदद की दूसरे की मदद नहीं की मैं फिर से आपको बोलता हूँ दिल्ली दंगों के दिल्ली सरकार का रिस्पॉन्स की जिम्मेदारी किसको दी गई वक्फ बोर्ड को दी गई वक्फ बोर्ड का मैंडेट क्या है क्या वक्फ बोर्ड सेकुलर संस्था है क्या वक्फ बोर्ड सभी धर्मों के लिए काम करती है नहीं करती ना वक्फ बोर्ड एक धर्म के लिए काम करती है उसका मैंडेट है रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशनली लेकिन उसको दिल्ली दंगों की रिलीफ का जिम्मेदारी दे दी कैंपर नहीं दिल्ली मेरी बात। बात सर अलग नहीं, है। नहीं मेरी बात हाँ। सुनो हाँ। दिल्ली के अंदर सरकार रिलीफ देगी सरकार रिलीफ देगी वक्फ बोर्ड के थ्रू कैंप लगाएगा वक्फ बोर्ड दवाई बांटेगा वक्फ बोर्ड मुआवजा देगा वक्फ बोर्ड तो वक्फ बोर्ड का तो मैंडेट ही नहीं है इन सत्रह पर सत्रह लोगों की मृत्यु के बारे में बात करने का तो इनके लिए जाएगा ना कपिल मिश्रा हो सकता है किसी के पेट में दर्द हो सकता है किसी को बुरा लगे पर मैं तो जाऊँगा मैं तो जाऊंगा और मैं पहचान पहचान देख के जाना किसी को बुरा लगेगा तो भी जाऊंगा क्योंकि इनके लिए कोई नहीं आने वाला ना कोई इंटरनेशनल एनजीओ आने वाली ना कोई बड़े बड़े पत्रकार आने वाले ना कोई दिल्ली के मालिक बन के बैठी हुई सरकार आने वाली इनके दरवाजे पे कौन जाएगा तिवारी जी की दुकान जल गई उनके उनकी दुकाना कौन बन ये, ये, ये तथ्य के हिसाब से अगर देखा जाए आज आप देखिए मैं हम आप ये सारे यति आज उमर खालिद हो या सर्जील इमाम हो या नताशा नारवाल हो या देवांगना कलिता हो इनके पे यूएपीए केस चल रहे हैं वहाँ जो फैजल जो वहाँ पर जबरदस्ती उनसे जनगण मन और, और बंदे मातरम गवाया जा रहा है वो मर गए उनप कोई केस नहीं हो रहा है उपदेश राणा कृष्णा त्यागी तो मत नहीं, चर्चा मैं, करो, मैं, फैक्ट मैं, पे ही चर्चा करूँ अच्छी तरह का उपेश नाना हमारे पास वीडियो पड़े हुए हैं कि किस तरीके से भगवा रहे हैं वो लोग खुद अंकित त्यागी टाइप के लोग जो हैं अंकित तिवारी के टाइप के लोग जो आकर अपने वीडियोस में इंस्टाग्राम में ये करते हैं कि अब हम मारेंगे जो कि इसमें अभी ऑन द रिकॉर्ड में किस भाषा में का उपयोग कर रहे थे वो नहीं कर रहा हूँ मैं लेकिन हम मारेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं उनकी माँ बहन माँ बहन ये सब कर रहे हैं उनपे आज भी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ तो मैं कि आप आप क्यों क्यों चाहते कि आप ये चाहते हो कि आप मेरे अलावा सारी दुनिया पे बात करो वो आप चाहते हो नहीं। लेकिन आपको उनसे बात करने के लिए उनके पास जाना मैं कह रहा हूँ लोगों का जो मैंने नाम लिया कहीं ना कहीं वो आपको अपना लीडर मानते हैं वीडियो में आपके साथ फोटो डालते हैं फोटो कि आज मैं कपिल मिश्रा जी जी से मिला वहां पे यति जी जी जो है वो कह रहे हैं कि आज हमारे साथ कपिल मिश्रा थे आप खुद अपने ट्विटर पे फोटो डालते हैं कि आज बाबा से हम बात करने गए तो आप अपना एसोसिएशन एक्टिव रख रहे हैं उनके साथ ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन होना एक अलग बात है एसोसिएशन तो आपसे भी हो गया मेरा लेकिन कल को आप जब कुछ कुछ और लिखोगे तो वो मैं जस्टिफाई थोड़ी कर रहा फिर से मैं पुनः तो कहना, कहना चाहता हूँ जिन्होंने वो जाके उनसे आपको बात करनी चाहिए कंडेम भी तभी करूंगा जब मैं उनसे बात करूंगा कि आपने दिया है कि नहीं सर दिया आप कंडेम करने को तैयार मैं उनसे बात करके उनसे बात करके मुझे भी समझ में आता है कि ऐसा ही बोला है वो बोलते हैं कि हाँ बोला है तो डेफिनेटली कंडेम करेंगे लेकिन तो क्योंकि आपने बता दिया क्योंकि आप कुछ दिखा दोगे मैं उनसे बात नहीं करूँगा और मैं कोई बयान दूंगा वैसा होने नहीं वाला नहीं मैं ये शाहन बाग और ये सारे जहां हो रहे उनको मिनी पाकिस्तान कहना सही था मैंने तो बोला है मेरे मैं अपने को थोड़ी गलत बताने जा रहा हूँ आपके साथ मैं तो अभी दोबारा बोल रहा हूँ मेट्रो में।, में भी सही है आज की तारीख में भी सही है शाहीन बाग को नहीं बोला मैंने की पूरा इलाका मिनी पाकिस्तान हो गया क्या सब लोग हो गए नहीं लेकिन जो भारत की संसद से पास कानून को ना माने जो अफजल गुरु को के कातिल हम शर्मिंदा का नारा लगाए जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात करे जो इस प्रकार की बात करेगा वो मिनी पाकिस्तान नहीं बोलेंगे तो क्या भारत बोलेंगे? के, भारत आप के, मेरे को सर, पंजाब को क्यों नहीं मिनी पाकिस्तान अगर हिंदू बोलेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा है तो कन्हैया कुमार है ना हमने तो धर्म तो नहीं देख के बोला आप कैसे बोल सकते हो

क्योंकि मेरे को मर्यादा की भाषा में इसके अलावा और कोई टर्म समझ नहीं आता अब दिल्ली राइट्स के बारे में बात अगर करे तो ये जो दिल्ली पुलिस का जो चार्जशीट है सारा उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक तरफा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बहुत सारे क्यों लो... लग रहा है ऐसा? क्योंकि लग रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि जितने सारे हमारे पास वीडियो एविडेंस पड़े हुए हैं पब्लिक डोमेन में हमारे पास नहीं सभी के पास है जहाँ पर बहुत सारे जो हिंदुत्व के जो हिंदू आर्मी जैसे अपने आप को क्लेम करते हैं आर के लोग हैं वो लोग पथराव कर रहे हैं उनका फेस रिकग्निशन से अरेस्ट नहीं हो रहा है आपने कहा कि हम ट्रंप तक ट्रंप जब तक है तब तक और वहीं तब तक हम चुप है और वहीं पर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में उमर खालिद में यह लिखा हुआ है कि ट्रंप जब है तब हम करेंगे इस सारी चीजों का अगर आप पैरल देखें तो एक सिलेक्टिव अप्रोच दिख रहा है आपको नहीं सिलेक्टिव इसलिए है कि आप सिलेक्टिव बोल रहे हो उमर खालिद को केवल बयान पे नहीं पकड़ा गया उमर खालिद किन मीटिंगों में था उन मीटिंग में कौन लोग थे फंड कहाँ से आया था उन्हीं मीटिंग से क्या दंगे में लोग गए क्या वो सारी चीज़ें पुलिस ने ट्रैक की है। मैंने तो पुलिस की पूरी चार्जशीट पड़ी है इसलिए क्योंकि पुलिस ने मेरी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और मेरे को बुठा बिठा के लंबी लंबी इन्वेस्टिगेशन हुई है मेरे लोकेशन की जांच की गई है मेरे मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच की गई है वो सारी ऑन एफिडेविट है तो उस उसके बाद भी मैं एक जांच एक बात कहना चाहता हूँ उसके बाद भी किसी के पास कोई और एविडेंस है इस देश में कोर्ट है अदालतें हैं ऐसा तो है नहीं कि इस देश में पुलिस के खिलाफ कभी लोगों ने बात नहीं की है वहाँ पर लोग जा भी रहे हैं ऐसा भी नहीं जा रहे हैं तो वो होने दीजिए उस प्रक्रिया को पूरा अगर किसी को ऐसा लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने कहीं पे कोई चीज़ छोड़ दी है और वो उनके हाथ में है तो इस देश की क्या न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है क्या वो पूरी की पूरी प्रणाली है और ऐसा तो नहीं है कि आप बोले कि कोर्ट भी पक्षपाती है और पुलिस भी पक्षपाती है और संसद भी पक्षपाती है और सरकार भी पक्षपाती है और हम ही जज हैं ऐसे तो नहीं चलेगा नहीं मैं वो कह रहा हूँ आपकी राजनीति के बारे में बात कर रहा हूँ आप जो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी आप एज बी, अ बीजेपी मेंबर हैं और बीजेपी के जो टॉप लीडर है वो कुछ अलग बोल रहे हैं आप एक अलग अपना लाइन ले रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है मैं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जमुना पार में जो आंखों से देखा उसके बारे में बोला कोई पार्टी से अलग लाइन ले रहे हैं या पार्टी कोई अलग लाइन ले रही है इस प्रकार का मुझे तो नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है कि जो अपने सामने होता हुआ दिखता है वो हमें बोलना चाहिए होम मिनिस्टर नहीं अमित शाह जी ने ही एक इंटरव्यू दिया था नविका कुमार जी को टाइम्स नाव पे जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं बोलने चाहिए तो नहीं मेरे स्टेटमेंट पे लोगों ने एफआईआर आई आर कराई या जाँच होगी जो कानून करेगा वो करेगा मैं ये थोड़ी कहने जा रहा हूँ मैं उसको सत्य मानता हूँ मैं उसको तथ्य मानता हूँ मैंने उसको अपनी आंखों से अनुभव किया है और मेरे मेरे को मेरे को जो लोगों ने व्यक्तिगत अनुभव आके बताए हैं उसको देख रहा हूँ मुझे लगता है कि सत्य तो कहना चाहिए आपको वो सत्य लग रहा है क्या? लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है हिंदू बनाम मुसलमान जिसका आप भी एक बहुत बड़े क्रिटिक थे उससे भाजपा को फायदा होता है आपको फायदा होता है नहीं तो मत कीजिए ना फिर वो राजनीति नहीं वो आप जब कर, कर रहे हैं रहा ना अगर आप लोगों जब कर रहे हो ना तो करना चाहिए नहीं चलो अगर लोगों को लगता है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति से भाजपा को फायदा होता है तो मत लगाओ भारत तोड़ने के नारे तो मत लगाओ कि अफजलम शर्मिंदा के नारे तो मत बोलो कि हिंदुत्व तेरी कबर खुदेगी तो मत बोलो कि भारत को अल आप सी ए में खाली सी ए की बात करते ना तो क्या तो है क्यों किसी को लेकिन अगर आप वहाँ पर खड़े होके तो पोलराइजेशन क्यों क्यों हो रहा है वो उन भाषणों से हो रहा है उन बातों से हो रहा है कल को कोई आतंकवादी आके हमला करता है उसको मासूम हेडमास्टर का बेटा बताना बंद कर दो ना उसको भाई बताना बंद कर दो ना आजादी आजादी तो कौन सी आजादी चाहिए उसके नारे लगाने अगर आप वो सब नारे लगाओगे फिर बोलोगे कि बाकी देश नहीं, नहीं, तो मैं गया तो नहीं कहा आजादी राजनीति में हमेशा दो पक्ष होता है जो सत्ता में रहता है जो विपक्ष में रहता है दोनों भाजपा भी विपक्ष में थी भाजपा भी विपक्ष में थी भाजपा ने कोई कहीं कोई रियाना या मियाँ खलीफा को लेके नहीं आई थी भारत में टिप्पणी करने के लिए लेकर आई थी इसमें सर कैसे आपको, आपको ने कभी ये ये कैंपेन नहीं चलाया था की दुनिया में जितने दूतावास बने हैं उसमें जाके प्रोटेस्ट करो भारत के खिलाफ ये लेटर नहीं लिखे थे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लेटर लिखो सुनो इमरजेंसी की एक कहानी सुनाता हूं सुनो ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इमरजेंसी में संविधान सस्पेंड संविधान सस्पेंडेड है क्या आज मौलिक अधिकार सस्पेंडेड है क्या संसद काम नहीं कर रही है क्या विपक्ष को जेल में डाल दिया गया है क्या आप इमरजेंसी से तुलना कर रहे हो सफेद झूठ बेचोगे क्या नहीं, नहीं, मैं 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 यहाँ तो, स्वामी लगातार अगर इमरजेंसी लग जाती तो करते ना इमरजेंसी है क्या खुलेआम देश को गाली देके आजाद घूम रहे हो इमरजेंसी बोलोगे खुलेआम भारत के खिलाफ भाषण देके घूम रहे हो इमरजेंसी बोलोगे इमरजेंसी में क्या हुआ था सारा विपक्ष जेल में था मूल अधिकार सस्पेंडेड थे बाय लॉ राष्ट्रपति के साइन से भारत के अधिकारों का मूल अधिकार सिग्नेचर करके राष्ट्रपति से सस्पेंड कर दिया गया था कि एक एक ये, ये, ये बोल रहे हैं कुछ लोग दंगा कर रहे हैं कुछ लोग हिंसा कर रहे हैं वो जेल में नहीं है कुछ लोगों ने इमरजेंसी लगाई सच में जिन्होंने सच में संविधान को सस्पेंड किया वो बोल रहे हैं कि देश में इमरजेंसी है वो लोग बोल रहे हैं नहीं वो क्या बोल, बोल तो रहे हैं सर उससे मतलब हो? नहीं है मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अभी कितने सारी जगहों में हिंसा हो रही है मध्य प्रदेश में हुई वो अभी कोई ज्यादा अरेस्ट नहीं हुए यहाँ पर दिल्ली दंगों की ही बात कर रहे हैं जब इतने सारे लोगों को गिरफ्तार किया ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ इसके बारे में कोई कितना भी झूठ बोले बहुत 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 लोगों ये आपका व्यक्तिगत ओपिनियन भी हो सकता है सर लेकिन ऐसे उनकी शीट में शीट में नहीं दिख रहा है जो लगातार शीट को देख और उसको ऑब्जर्व करके ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको एनालाइज कर लेकिन इतने सारे हम तो मानेंगे ही ना सर लेकिन जितने सारे टेलीविजन मीडिया रिपोर्ट में आप देखिए जितने भी सारे चैनल है उसमें तो आपको कहाँ पे भी आपको

अगर आप इसको इमरजेंसी से तुलना करेंगे इस देश में कोई किसी को भी कुछ भी बोल रहा है और उसके ऐसा बोलने के कारण कुछ नहीं है दिल्ली के दंगों की जांच हो रही है पुलिस टेक्नोलॉजिकल एविडेंस लेके जा रही है फेस रिकॉग्निशन लेके जा रही है मोबाइल लोकेशन लेके जा रही है अगर पुलिस की जांच में कमी लगती है आप हाईलाइट कीजिए ना आप उसको भी सामने लेके आइए ऐसा तो नहीं है इस देश में न्याय व्यवस्था भी नहीं सुनेगी पुलिस भी नहीं सुनेगी ऐसा तो ऐसा माहौल तो नहीं है ना इस देश में लेकिन ऐसा माहौल बना दिखाने की कोशिश लोगों को दिल्ली, की कोशिश, दिल्ली ये जरूर हो रही है दिल्ली दंगों में आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रोपागैंडा हो रहा है उसमें लेकिन आपको लगता है कि हिंदू समाज का भी जो वहाँ पर हिंदुत्व रूर जो लोग हैं उनके उनका भी एक रोल है दंगों में नहीं क्यों, आपको आप रास्ते में जब इतने तो वो जो 40 मुसलमान जो मरे हैं या इतना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ वो किन लोगों ने किया वो आपको देखना पड़ेगा कौन किसकी मृत्यु कहाँ पे हुई है या ऐसा कौन अपने घर के सामने मरा है कौन तो कहाँ पे जाके मरा है पोस्टमार्टम करना होगा वो तो केस, केस टू लेकिन डैमेज सुनो मैं आपको बताता ये नंबर ना बहुत लोग गिनाते हैं मुझे नंबर पता नहीं है पहले तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताता हूँ मैंने नंबर कहीं बोला नहीं है क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि कौन कितने लोग मरे हैं उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ क्योंकि तो कोई किसी की मृत्यु हो गई इसीलिए वो विक्टिम है इसीलिए दूसरे ने उस पर हमला किया होगा तो वर सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर की मृत्यु हो गई थी तो आप क्या कहना चाहते हो कि पूरी दुनिया ने मिलकर हिटलर पर हमला कर दिया था को मारने के लिए आई तो थी ऐसे ये ये लॉजिक ये नहीं आप केस केस बाय हुई आप इनसान को इनसान मैं तो है किसकी मृत्यु किस तरीके कोई अपने घर के अंदर मर गया क्या या कोई कहीं दूसरे वहाँ जहाँ मृत्यु हुई वहाँ पे वो कितने बजे गया था किसके साथ गया था वहाँ पे वो तो क्यों था वो सब केस बाय केस आने दीजिए आप इंसान को हर इंसान का एक पर्सनल पर्सनल लाइफ है उसकी एक पर्सनल स्टोरी है आप उसको जनरलाइज़ मत करिए चालीस होगा ये तेरह होगा इसलिए मत करिए क्योंकि वो जो पहले किया सी के बारे में झूठ बोल के लोगों को भड़काया और उसके बाद वो लोग इतना इतना भड़क गए इतना भड़क गए कि वो महिलाएं महिलाएं और बच्चे तक भी तेल गरम तेल और करंट की बातें करने लगे वो ये वाला जो झूठ है ये उसको भड़काने के ये आग में घी डालने वाला काम है ये आग बुझाने वाला काम नहीं है मगर सर ये सवाल बी... सर कि सर आप जैसे आपने वो नारा लगाया ए के गद्दारों को जामिया के गद्दारों को तो मान लेते हैं आपका कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं था मान लेते हैं मगर और मान लेते हैं कि वो लोग गद्दार भी थे मगर इवन देन एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर डू यू थिंक इट इज ओके टू कॉल फॉर वायलेंस गोली मारो तो मैं आपको फिर बताता हूँ इसमें आप लोग ये नारे को बहुत ज्यादा महत्व तो दे रहे हैं ये एक छोटा छोटा एक ये बात करने योग्य भी नारा सर्थ नहीं सर्थ है ये जो लोगों ने हुई। देश में अलग अलग आंदोलनों में लगाया है मुझे मालूम है कि महत्व क्यों दिया जा रहा है जिससे कि तो सारी हिंसा को मैं भी ये बोलता हूँ की छोटी चीज को बड़ा बनाया इसमें यही कमेंट है की बहुत छोटी सी चीज को बड़ा बनाने की जानबूझ के कोशिश की जा रही ऐसे सर बहुत सारी छोटी छोटी चीज है अभी एक न्यूज लॉन्ड्री ने आपके एक हिंदू इको पे एक

दूसरी लाइन में न्यूज लॉन्ड्री बोल रहा है कि ये एक ओपन गूगल फॉर्म था जिसमें न्यूज लॉन्ड्री ने भी ज्वाइन किया उनका पहला फर्स्ट तो है ओपन तो तो है पब्लिक में है इतना तो मान रहे हो ना जो काम कर रहे हैं वो सामने से कर रहे हैं अभी सुनो मैं हिंदू इकोसिस्टम के बारे में बताता हूँ सोलह टॉपिक चुने न्यूज लॉन्ड्री की स्टोरी में मेरे सोलह टॉपिक लिखे हुए हैं टॉपिक क्या है हमारे मंदिरों का इतिहास क्या है टॉपिक क्या है हमारे पूरे जो भव्य शहर होते थे उनके बारे में चर्चा हमारे जो अच्छे योद्धा थे उनके बारे में बात करना कहीं पे तो नरसंहार हुए हैं उनके बारे में लोगों को तथ्य इकट्ठे करके जानकारी देना हमारे त्यौहारों का कोई अपमान करता है तो त्यौहारों क्यों त्यौहार मनाया जाता है उसकी परंपरा ऐसे सोलह टॉपिक लिखे हैं वो सोलह टॉपिक में किस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम है बताओ

उसके बाद जो वेरियस ग्रुप है जिसमें लोग इंटरेक्ट करते हैं वो पब्लिक ग्रुप है लेकिन ऑफिशियल ग्रुप केवल एक है जिसमें ओनली एडमिन कैन पोस्ट आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरी सिंगल पोस्ट इन दैट ग्रुप और मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ नहीं है ऐसा सोला टॉपिक है ऑन रिकॉर्ड है एवरी डे वे रि पीपल कि ये सोलह टॉपिक है इन्हीं पर काम करना है कोई उसके बियॉन्ड लिखता है उस ग्रुप से बाहर जाता है ये ऑफिशियल है यू गो यू ज्वाइन दैट ग्रुप इट्स इट्स पब्लिक एनी वन कैन जॉइन किसी का तो धर्म नहीं देख रहे जात नहीं देख रहे पहचान नहीं देख रहे पूछ नहीं रहे किसी को पूछ के कि तुमने ज्वाइन क्यों किया है सच अ ट्रांसपेरेंट एंड ओपन ग्रुप ये कहाँ मिलेगा आपको आपका ये मूवमेंट जो है ये जो क, अ, अ, कैसे रहेगा क्या रहेगा मूवमेंट ये ये जो पूरा जो आपका जो एक हिंदुत्व का मिलिटेंट मूवमेंट जिस तरीके मेरा से कोई देख का करता नहीं इस तरीके के हेड स्पीचेस सब, मुस्लिम सब भी नहीं, नहीं बुलाया जा रहा है उनको जिहादी बुलाया जा रहा है सिख को खालिस्तानी बुलाया जा रहा है ऐसी जगहों में जो बुला रहा है उसका नाम लेके उससे बात कीजिए जो बुला रहा है उसका नाम लेके वो आप इतना जनरलाइज करेंगे वो सारे एसोसिएशन जो है उनसे बात करके अपनी वो एसोसिएशन तोड़ेंगे नहीं 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 बात तो करूंगा ना पहले तोड़ने पे क्यों आ गए इतनी जल्दी क्या आप तो सीधा तोड़ने पहले बात तो कर लू किसी मेरे को तो लगता है कि आप सोकॉल लिबरल हैं तो आप बात करने की अभिव्यक्ति की आजादी की डायलॉग की पूरी तरीके से समर्थन है ना तोड़ने हाँ। की तो बात नहीं करेंगे तो तोड़ने की बात तो जब आएगी जब मेरी बात लेकिन जी तो वो वायलेंस जहाँ पर प्रोवोक होता है कहाँ मानते हैं उसका क्या डेफिनेशन है आपको मानता हूँ ना वायलेंस प्रोवोक होता है तो सोनिया गांधी जी ने भाषण दिया कि सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा आर पार का समय आ गया है तो क्या इससे वायलेंस प्ररोक नहीं होता हर्ष मंदर जी ने यह बोला कि संसद संसद से अब कुछ नहीं होने वाला अब सड़कों पे उतरना पड़ेगा अब संसद हम चलाएंगे सड़क पे। इस इस पे? इस सड़क पे पे सोनिया गांधी के इस स्टेटमेंट को को आने आप स्पीच मान रहे हैं नहीं नहीं, नहीं मारो, सर, मैं फिर सुनो मेरी बात नहीं से आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मैं नहीं मान रहा हेट स्पीच मैं ये मानता हूं उनकी इंटेंशन नहीं होगी हेट स्पीच की जब उन्होंने बोला होगा लेकिन वेन यू स्टार्ट जजिंग देन जज एवरी ऑन सेम ऐसे नहीं है कि आप मेरे को जज करोगे दूसरे को नहीं करोगे इधर डोंट जज बस लेकिन आने वाले अब जो हम पहले सवाल से ही पूछ रहे थे कि आने वाले दिनों में दिल्ली बीजेपी का मूवमेंट का क्या रंग होगा दिल्ली, दिल्ली बीजेपी दिल्ली के मुद्दों के ऊपर काम कर रही है दिल्ली में पानी की गंभीर समस्या पे हमारा बड़ा आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जो नगर निगम को फंड नहीं मिले उसके ऊपर हमारा बड़ा आंदोलन जन आंदोलन पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है और दिल्ली के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है लोग हवा में सांस सांस लेने तक भी नहीं पा रहे हैं अभी तो कोरोना काल में ये भी पता लग गया कि ये कोई तो हम कभी पराली या दिवाली को गाली देते थे पॉल्यूशन तो उसके बावजूद भी है, सब कुछ बंद होने के बावजूद भी हमें अपनी ज़िम्मेदारी एक शहर के तौर पर एक नागरिक के तौर पर लेनी होगी बसें आज तक दिल्ली की सड़कों पर नहीं आ पाई हैं उसके बारे में हमको कहा तो बहुत सारी चीज़ें इसी कपिल मिश्रा से हम वाकिफ़ थे नहीं नहीं वही कपिल मिश्रा मुझे प्रॉब्लम यह है कि आप मेरे उन कामों को देखते नहीं हो मैं कोई एक ही काम नहीं कर रहा हूँ जीवन में पूरे चुनाव पिछले पिछले में छह महीने मैंने सौ वीडियो पोस्ट करे दिल्ली के मुद्दों के ऊपर और मैं ये बिल्कुल डंके की चोट पे वायर पे कह सकता हूँ मैं हर एक मुद्दे पे अपना दिया हुआ बयान अपने दिए हुए तथ्य अपनी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपना दिया हुआ वीडियो दिखा सकता हूँ कोई मुद्दा मैंने नहीं छोड़ा दिल्ली का we hope that that. see all of of these issues coming up. that's a commitment to you. I I will will keep keep doing speaking for people, irrespective of, कि कोई मेरे को आतंकवादी बोले पत्थरबाज बोले दंगाई बोले I will keep doing what I believe in. अपनी तरफ से भी मगर सर सतर्कता आप क्योंकि वजन आपकी डायल आपके भाषण का है तो उसमें आपको तो सवाल पूछा ही जाए नहीं पूछना भी चाहिए सवालों का स्वागत है और इसीलिए मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।